हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो आज की इस वीडियो में हम WWE के अगले पेपरव्यू यानी कि डे वन पेपरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं और साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या फाइनली पॉल हेमन रोमन रेंस को धोखा देने वाले हैं डे वन पेपरव्यू में या नहीं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो WWE टाइटल मैच सेथ रॉलिंग्स ने अर्न किया था फैटल फोर वे लैडर मैच जीतकर, और सेथ ने बिगी को चैलेंज कर दिया था डे वन पेपरव्यू के लिए, पर उसके बाद केविन ओवेंस ने दिमाग लगाकर खुद को पहले कंटेंडरशिप मैच दिलाया बिगी के साथ, और फिर उस मैच में केविन ओवेंस ने सेथ से खुद पे अटैक करवाकर खुद को डिस्क्वालिफिकेशन से मैच भी जीतवा लिया और वो भी ऐड हो गए WWE चैंपियनशिप के मैच में। लेकिन लास्ट वीक आपने देखा होगा कि बॉबी लैशली ने अटैक कर दिया था केविन ओवेंस, बिगी और सेथ रॉलिंग्स पर, और फिर MVP ने बैकस्टेज में ये कहा कि लैशली को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि WWE टाइटल का मैच उन्हें क्यों नहीं मिल रहा, और WWE ने ये अनाउंस कर दिया है कि आने वाले मंडे नाइट रॉ में लैशली ये बताएंगे कि उन्होंने WWE टाइटल मैच में फाइट करने वाले तीनों सुपरस्टार्स पर क्यों अटैक किया था, और ये बात कंफर्म है कि बॉबी लैशली भी WWE चैंपियनशिप के मैच में ऐड हो जाएंगे डे वन पेपरव्यू में, और इन चारों में से सबसे ज्यादा चांसेस फिलहाल सेथ रॉलिंग्स के जीतने के। लेकिन अगर बिगी ने उनका चैंपियनशिप बचा लिया डे वन पेपरव्यू में, तो फिर ये समझ जाइएगा कि सेथ रॉलिंग्स और बिगी का रॉ रंबल 2022 में फिर से मैच होगा WWE टाइटल के लिए। वैसे आप लोग इस मैच में किसको सपोर्ट कर रहे हो, बिगी को, केविन ओवेंस को, सेथ रॉलिंग्स को या फिर बॉबी लैशली को, कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। तो इस हफ्ते ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच हुआ था रॉ टैग टीम चैंपियंस आरके ब्रो, स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस द उसोस और द न्यू डे के कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स के बीच में, और आरके ब्रो और उसोस को हराकर न्यू डे अब खुद को WWE की बेस्ट टीम बोल सकते हैं, और डे वन पेपरव्यू में द उसोस फेस करेंगे न्यू डे को स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के मैच में, और जेवियर वुड्स और कोफी ने बोला है कि वो ब्लड लाइन का टाइटल रेन खत्म करेंगे उसोस का स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप छीन कर। लेकिन मुझे लगता है कि उसोस उनकी स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल बचा लेंगे डे वन पेपरव्यू में न्यू डे को हराकर, और रेडेड आउट सुपरस्टार एज ने द एलिस्टर मिस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए इन दोनों का भी सिंगल्स मैच होगा डे वन पेपरव्यू में, और मिज ने ये कहा है कि वो एज को हराकर साल 2022 की एक नई शुरुआत करेंगे, पर अगर मिज ने किसी तरह की चीटिंग नहीं की तो इस मैच में मेरे हिसाब से एज जीत जाएंगे मिज को हराकर। चलिए अब बात करते हैं डे वन पेपरव्यू के मेन इवेंट के बारे में, जो कि होने जा रहा है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में पॉल हेमन को सैमी ज़ेन से बचाने ब्रॉक लेसनर आ गए थे, और ब्रॉक के बारे में पॉल हेमन ने कहा कि वो फ्यूचर यूनिवर्सल चैंपियन है, और बैकस्टेज में ब्रॉक लेसनर ने पॉल हेमन को उनका एडवोकेट कहा है, और ये कंफर्म है कि डे वन पेपरव्यू से पहले पॉल हेमन यही बात बोलेंगे कि वो रोमन के साथ हैं ना कि ब्रॉक के साथ। लेकिन डे वन पेपरव्यू के दिन पॉल हेमन रोमन को फाइनली धोखा दे सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ब्रॉक लेसनर जीतकर नए यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे। वैसे अगर रोमन रेंस ने फिर से ब्रॉक को हरा दिया तो वो लेसनर के 504 दिनों का टाइटल रेन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे जनवरी 2022 में, और टोनी स्टोम ने इस हफ्ते कंटेंडरशिप मैच जीता है, तो डे वन पेपरव्यू में उनका मैच हो सकता है शार्लेट फेयर के साथ स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए, और डे वन पेपरव्यू इंडिया में 2 जनवरी 2022 की सुबह 6:30 बजे से सोनी 10/1 और सोनी 10/3 पर देगा। और जानने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।